अस्सलामुअलैकुम जी, बज रहे हैं 8, 8:30, और मैं वैसे 8 बजे उठ गई थी, बट अभी अभी मतलब बिस्तर से अभी निकली हूँ। तो बस अब फटाफट अपने कपड़े प्रेस करने के लिए जा रही हूँ, नाश्ता करूँगी और बस फिर तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन कुछ ये गंद पड़ा हुआ रूम में, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इसको भी क्लियर करके जाऊँगी। तो कमरे को भी साफ करके जाना है और तैयार भी होना है, बस जल्दी से स्टार्ट करने लगी हूँ। ओके सी हाउ आई एम पैकिंग माई मॉडल्स ड्रेस। मैंने ये एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग लिया जो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था, और मैंने इसका मिड में इस तरह से काट लिया है। यहाँ से मैं गुजारूंगी हैंगर और इसमें डाल दूंगी अपना सारा ड्रेस, ताकि आयरन भी ख़राब ना हो और डस्ट वगैरह से भी बचा रहे। तो जी नाश्ता बना कर लेके, 3 टोस्ट बनाए और अंडा का भी मुझसे ठीक नहीं बनता है, बिग डिज़ास्टर। चाय बनाई है और बाकी सब चीज़ें मैंने सेट करके रख दी हैं, लाइक माई शूज़ और ये फ्लास्क रखा है। इसमें जाते हुए मैकडोनल्ड से एक कोई शेक जो है वो फिल करवाऊंगी, मेरा मोबाइल का कवर, और मैंने ये एयरपोर्ट्स कैरी किए हैं, चॉकलेट और एप्पल, आई डोंट नो ये मैं कैरी करती हूँ बट मैंने रख लिए हैं। उसके बाद हमारा नीडल बॉक्स जिसमें सुई धागा, सेफ्टी पिंस होंगी, और ये जो मॉडल्स के लिए कुछ चीज़ें हैं, मेकअप की कुछ मेरी भी होंगी। ये जी हमारा ड्रेस पैक हो चुका है, और बाकी मेरी चीज़ें जो इस्तेमाल की जिससे अभी मैंने भी रेडी होना है, इस बैग में सारे कुछ कैरी करूँगी। ओके जी, जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और फिर तैयार होना शुरू होते हैं। अब आप लोग ज़रा मेरी अकलमंदियाँ चेक करें, मैंने इनको अलाइन भी कर दिया कि बस ये रेडी पड़े हुए, मुझे पता हो कि मैंने कौन से नेल को कौन सा नेल लगाना है, कौन से नेल को कौन सा नेल। अच्छा, मैंने क्या किया, ये USU का जो है ये ट्यूब का जो कवर था उसके ऊपर USU की एक हल्की सी लाइन लगा के उस पर चिपका दी है। अब मैं इसके ऊपर ये वाला नेल पेंट भी लगा दूंगी इसी तरह इसके नीचे। अच्छा, एक्चुअली मैंने एडिसिव टेप्स भी लगा दी हैं, ठीक है, वो डबल टेप्स होती हैं, वो एक तरफ लग चुकी हैं, अगर इसमें नज़र आ जाए तो यस नज़र आ रही हैं ये। तो अब उनके ऊपर से मैं कवर उतार के अपने नेल पे चिपका लूँगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स भी मैं आप लोगों को वीडियोस में बताती हूँ, इनको फॉलो करेंगे ना तो ज़िंदगी यकीन करें बड़ी आसान हो जाएगी। इस तरह ये देखिए जी, कुछ इस तरह से हम अपने नेल्स को रेडी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के कलर के साथ। अच्छा जी, इस वक्त हो रहे हैं 11:06, ये चार्ज भी हो गया है और मैंने तैयार होना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मेरे नेल्स जो हैं वो भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको यूँ बंद करके इस डब्बे में डाल लूँगी तो ये सेफ़ रहेंगे इंशाल्लाह। चलें जी तैयार होते हैं और फिर आपको अपनी तैयारी दिखाते हैं। ओके जी, मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने भी सॉक्स पहनी हुई है ताकि डस्ट वगैरह ना पड़े, वहाँ जाके उतार दूँगी और नेल्स वगैरह मैं वहाँ जाकर लगाऊंगी, और रिंग्स और वॉच जो मैंने पहनी है, बाकी मेरी तैयारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। और ये वाला एक बैग है जो मैंने कैरी करना है और ये ड्रेस। चलें जी, गाड़ी भी आ चुकी है, इंशाल्लाह आप लोगों से वहाँ पर मुलाकात होती है। आई होप सब अच्छा अच्छा हो। वैसे तो मेरी बहन जाने वाली थी मेरे साथ, लेकिन उसने मुझे लास्ट नाइट टीच करवा दिया और मुझे थोड़ा फील भी हुआ। फिर मैंने सोचा कि शो तो सिर्फ मेरा है, तो ख्वार होने का हक़ भी सिर्फ मुझे बनता है, मैं अपने साथ दूसरे लोगों को क्यों घसीटूं। तो लाहौर की ट्रैफिक और मेरे ड्राइवर ने भी कसम खाई हुई थी मुझे मोटरवे से ना लेके जाने की, ले गए मुझे शाहदरा वाली साइड से, और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं सारे रास्ते बस मुझे लग रहा था जैसे सफ़र बहुत लंबा हो गया, क्योंकि मैं बहुत घनौती में थी। फिर मैं पहुंची मैकडोनल्ड्स, जहां पर मुझे शेक लेना था, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है। मैंने स्ट्रॉबेरी शेक लिया, उसको मैंने अपने फ्लास्क में कन्वर्ट किया, और जगह बहुत फुल थी, मुझे एडजस्ट किया गया एक लड़की के साथ और वो मेरी सारी हरकतें देख रही थी। मैंने फ़्राइज़ कुछ वहीं खा ली, कुछ साथ कैरी कर ली, क्योंकि जब तक मैं कुछ खाती ना रहूँ मैं एक्टिव नहीं रहती। फिर मैंने अपने नेल्स लगाए और अपनी सारी एसेसरीज़ पहनी, और बस फिर तैयार होकर मैं चली यूनिवर्सिटी की तरफ। हाय, और मैं लाइक अब और मेरा ना दिल ख़राब हो रहा है, और आज ही मैंने अपनी वॉमिटिंग वाली टैबलेट नहीं रखी और आज ही मेरा दिल ख़राब होने लगा, ऐसा क्यों होता है हमेशा। चलें जी, हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपनी मंजिल मकसूद पे, स्टेज हम कल भी देख चुके हैं, कुछ ये हैं तैयारियाँ। हु आर दिस? ओके, लेकिन हमारा काम सारा बैक स्टेज का है, और ये है हमारी को मॉडल। अरे वाह, ये कितना मज़े का लगता है देखना, बैक स्क्रीन, बैक स्टेज पे जो स्क्रीन की बैक साइड है। और मेरी मॉडल ऑलरेडी तैयार होकर आई थी, लेकिन हमें लगा कि हमें थोड़ा सा आई शेडो जो है वो चेंज करना चाहिए, तो आई मेकअप किया मैंने, उनको लैशेस लगाई, बट मेरी डिज़ाइनर जो हैं, जो सॉरी पार्टनर डिज़ाइनर जो हैं,
उनसे मैंने कहा कि वो लाइनर लगा दें क्योंकि ये वाला लाइनर मुझे अप्लाई करना नहीं आता था। साथ साथ मैंने शेक पीना स्टार्ट किया ताकि मैं एनर्जेटिक रहूं और मुझे थकन का एहसास ना हो। और यहाँ पर जब मैं शेक पी रही थी तो एक लड़की बैठी हुई थी पास, वो इतना क्यूरियस होकर मुझे देख रही थी कि मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और निकाब में भी पी रही हूँ। वो मुझे बहुत हंसी आई उसको देख कर। मैंने अभी साइड पर उसको क्रॉप कर दिया, पीछे लोग काफ़ी ज़्यादा तैयार भी हो रहे हैं, सब लोग मेकअप कर रहे थे। बहुत जल्दी सुबह 10-10 बजे के आए मैं और यहीं पर आकर तैयार हो रहे थे, बट क्योंकि मैंने निकाब में रहना था इसलिए मैंने सोचा मैं घर से ही तैयार होकर जाऊं। और यहाँ मेरी मॉडल ख़ुद तैयार होने के बाद दूसरे लोगों को तैयार कर रही थी माशाल्लाह। और फिर मैंने अपनी मॉडल को लगाया नेल पेंट, जो कि वो लगाना नहीं चाह रही थी, बट फॉर्चुनेटली ये पील ऑफ था और मैंने साथ कैरी कर लिया था तो ये अच्छा हो गया और हमने उनको नेल पेंट भी लगा दिया। ड्रेस की डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ है शेयर करने वाला, तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। और मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, मैं इतना ज़्यादा पानी पी रही थी, मैं बार बार पानी पी रही थी, अपना शेक पी रही थी और फ्राइज़ खा रही थी। और यहाँ पर हमारी सभी मॉडल्स जो हैं वो अलाइन हो रही थीं और जा रही थी स्टेज की बैक साइड पे क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला था। और मैं सब कुछ आपको बैक स्टेज ही दिखा सकती हूँ इस व्लॉग में क्योंकि मैं ख़ुद भी बैक स्टेज ही थी, मैंने तो शो खुद नहीं देखा। ये देखें, मैंने यहाँ से जो ये सब जो वीडियोस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बस मैंने इतनी ही वीडियो रिकॉर्ड की और मैंने इतना ही शो एक्चुअली अपनी आँखों से देखा है। बाकी सब तो मैंने वीडियोज़ में जो वीडियोज़ रिसीव हुई ऑडियंस में से किसी ने, किसी की बहन ने, किसी की कज़न ने जो भेजी वही देखी है मैंने। और इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना उस वक्त कि फ़ाइनली इतनी मेहनत की हुई है, इतना ट्रैवल किया हुआ है, इतना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है और फाइनली वो दिन आ गया है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो स्टेज पर जो हैं वो सबके सामने हैं और इसके बाद जो है हम आज़ाद हो जाएंगे इन सारी टेंशन से। तो ये मेरी मॉडल का एक्ट था। अब इतना सारा म्यूज़िक था कि मैं आपको एक्चुअली रियल वॉइस में कुछ सुना भी नहीं सकती कि किस सॉन्ग पर क्या एक्ट किया गया था, क्योंकि अगर आप लोग मुझे ऑलरेडी देखते हैं तो यू नो वेरी वेल कि मैं अपनी वीडियोस में अवॉइड करती हूँ म्यूज़िक। यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे डिज़ाइनर वॉक के लिए, लाइन में लग के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और हमने डिज़ाइनर वॉक भी की और मुझे बहुत मज़ा आया डिज़ाइनर वॉक करने का। यहाँ पर देखें, और इसकी एक ही बार प्रैक्टिस की थी हमने बैक स्टेज, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। और उसके बाद जनाब अच्छी खासी थकावट। अच्छा, ये जूता मैंने नया लिया था और आई वाज नॉट अवेयर कि ये कैसा पहन कर कैसा लगेगा, जिसने मुझे बहुत थका और अब तक मेरे पाँव में दर्द है। और ये शो के बाद सब अपनी पिक्चर्स ले रहे थे, सब रिलैक्स हो चुके थे और सब ने फ़ोटोशूट किया और फिर हम निकल गए बाहर के लिए। और मॉडल ने मुझसे कहा कि हम लोग कुछ खा लेते हैं, तो वी प्लान कि हम लोग मैकडोनल्ड्स चलते हैं, कुछ खाते हैं। बट ऑर्डर आने से पहले पहले मेरी मॉडल के फादर भी उनको लेने के लिए आ गए और हमारी भी गाड़ी आ गई, तो हम लोग जो है बस हमने हाथ में पकड़ा और हम घर चले गए। खैर, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रैप ट्राई करते हैं आज। मैंने मैकडोनल्ड्स का रैप कभी नहीं खाया हुआ था तो मैंने उस दिन ट्राई किया, इट वॉज़ क्वाइट गुड, अच्छा था। अच्छा जी, तो 9:30 हुए और मैं घर आ भी गई हूँ। आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इतनी जल्दी घर वापस आ जाऊँगी। मुझे लगा था कि 9 बजे तक तो शो ख़त्म होगा। मैं कहाँ हूँ, कैमरे से आउट हो रही हूँ। मुझे ये लगा था कि 9 बजे शो ख़त्म होगा, मुझे 10-11 बजेंगे आते आते, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम से पहुँच गई और ये भी खुल गई है। अच्छा, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और इतनी टेंशन थी। अच्छा, रिहर्सल्स के टाइम पे इतनी टेंशन क्रिएट की हुई थी, लाइक लगता था कि पता नहीं फैशन शो कैसे होगा, होगा कि भी नहीं होगा, इतनी इश्यूज होंगे। लेकिन आज तो ऐसे जैसे मक्खन में से बाल ही निकलता वो वाला हिसाब हुआ है। हमें तो ये लग रहा था कि आज ही सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, लेकिन आज सर्टिफिकेट्स नहीं मिले। सर्टिफिकेट के लिए फिर किस दिन जाना होगा, चलें एक और चक्कर लग जाएगा लाहौर का। तो अब चेंज करती हूँ अच्छी सी कॉफ़ी। वैसे मैकडोनल्ड से मैंने कॉफ़ी लेनी थी बट उन्होंने कहा कि कैपेचिनो हम सर्व नहीं करें, तो अभी कॉफ़ी बनाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ और सुकून करती हूँ।
मुझे लगा था कि ये बहुत जल्दी उतर जाएंगे, बट ये बहुत स्ट्रांग रहे हैं और मैंने सारा काम इन नेल्स के साथ किया है। ओह माय गॉड, आई एम लविंग दिस कलर। मैंने अपनी मॉडल को भी सेम नेल पेंट लगाया था, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये अब जो सारा मैस पड़ा है ना, ये देखें पीछे ये सब कुछ, और यहाँ भी जितना गन डाल के गई हुई हूँ मैं, ये सारा कुछ समेटना है अब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। Thank you. Allah Hafiz.